सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दीपावली पर्व के दृष्टिगत नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि दीपावली का पर्व आने वाला है और जगह जगह पर दीपावली की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसको देखते हुए मेरा सभी नागरिकों से अपील है कि सतर्कता पूर्वक ही त्योहार मनाएं। दीपावली पर्व हम भारतीयों का एक प्रमुख पर्व है। इसमें सभी लोग बहुत पहले से ही तैयारियां करते रहते हैं, जिसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि लोगों के साथ छलावा करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। ऐसे लोग कई तरह से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेन से आते समय किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए सामान को ना खाएं, क्योंकि अधिकतर लोग इन सामानों में नशीला पदार्थ मिला लेते हैं और लोगों को लूट लेते हैं। घरों में लगाने वाली झालर को बिजली के मिस्त्री से ही लगवाएं, नहीं तो किसी को करंट लग सकता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति दीपावली पर अल्कोहल ना ले, क्योंकि अल्कोहल लेने से वाहन अनियंत्रित हो जाता है और दुर्घटना के लोग शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा खोआ खरीदते समय सावधानी बरतें, क्योंकि बहुत से ऐसे दुकानदार हैं जो कि नकली खोआ बेचते हैं। इससे सेहत खराब होता है और लोग बीमार पड़ जाते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, देखिए दीपावली का पर्व अब एक सप्ताह से कम का समय रह गया है और जगह जगह दीपावली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके दृष्टिगत रखते हुए आम लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि काफ़ी सजगता सतर्कता बरत कर ही हम लोग जो है अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। दीपावली का त्यौहार हमारा एक प्रमुख त्यौहार होता है। इसमें हम लोग काफ़ी दिनों से दीपावली की तैयारियां करते हैं, श्रृंखलाबद्ध तरीके से करते हैं, तो इसलिए इसमें तमाम तरह के समाज में जो गुनहगार लोग होते हैं वो भोली भाली जनता को भ्रमित करते हैं, उनके साथ छलावा करते हैं, कई तरह से उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम सबका ये दायित्व होता है कि हम लोग जो है आम जनता से अनुरोध करें और उनको सजग समझें। सबसे पहली बात ये होती है कि हमारे जो भाई विदेशों में रहते हैं या अन्य प्रांतों में रहते हैं, वो कमा करके अपने त्यौहार मनाने आते हैं, रास्ते में जरूरतमंदी का शिकार हो जाते हैं। तो इसके बारे में मैं कहता हूँ कि जब आप अपना खाने पीने का सारा सामान अपने पास रखिए, रास्ते में किसी भी अपरिचित व्यक्ति के द्वारा दी गई कोई भी खाद्य पदार्थ सामग्री न लें, न बिस्किट लें, न पानी लें, न चाय पिए किसी भी प्रकार का, क्योंकि ये लोग जो है दोस्ती गांठ करके आपको नशे की टैबलेट्स दे देते हैं और उसके बाद आपका सामान लूट लेते हैं। इसके अलावा दीपावली में घरों की साफ़ सफाई की जाती है। साफ़ सफाई के दौरान थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि जो पेंट होते हैं इनसे तमाम तरह की फ्यूम्स निकलती हैं, खास करके उन घरों में जहाँ पर जो है सांस के रोगी रहते हैं, उनमें सांस का अटैक पड़ने की संभावना रहती है। तो ऐसे लोगों से मेरा आग्रह है, अगर आपके घर में कोई सांस का रोगी है तो घरों की पुताई रंगाई के समय उसे घर से बाहर वो रहे, और जब भी झाड़ू लगावें या किस तरह की हो तो बेड पोछे से लगाया जाए, बहुत ज़्यादा धूल न उड़े जिससे हम उसमें जो कर लें। इसके अलावा दीपावली में हम लोग जो है घरों में झालरों की सजावट करते हैं, तो झालरों से मेरा अनुरोध ये रहता है कि झालर जो है बिजली के मिस्त्री से ही लगवाया जाए, स्वयं तार को जोड़ना काटना न सुनिश्चित करें, अन्यथा जो है बिजली के करंट से हमें शिकायत हो सकती है। इसके अलावा दीपावली के जिस त्यौहार जो होता हमारा सप्ताह होता है, काफ़ी उत्सव होता है, सब लोग काफ़ी उत्साहित होते हैं, तो इस दौरान जो है कुछ लोग जो है अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो मैं सलाह दूंगा कि अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। अल्कोहल लेने के बाद जो है अपने वाहन अनियंत्रित वाहन चलाते हैं जिससे एक्सीडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट की वजह से हाथ पैर टूट जाते हैं, तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, तो मैं इस पर भी सलाह दूंगा। इसके अलावा दीपावली के समय में हम लोग अपनी खुशियां मनाने के लिए त्यौहारों पर मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं, मिठाइयां लेते हैं, खाते हैं, तो मैं लेकिन समाज में मिलावटखोर लोग काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं गोरखपुर निवासियों से अनुरोध करूंगा कि मिठाई की दुकान जो बहुत ही प्रतिष्ठित हो वहाँ से ही लें, खास करके खोए की मिठाई लेते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें, क्योंकि आज की तारीख में जितना खोए की मिठाई बाज़ार में है उतना तो खोया या दूध होता ही नहीं है, तो मिलावट खोर हमारी आपकी करते हैं और मिठाइयों को आकर्षक बनाने के लिए वो उसमें अखाद्य रंग मिला देते हैं जो हमारे शरीर को कैंसर तक की बीमारी तक हमें पहुंचा सकते हैं या रीनल फेलियर की बीमारी तक पहुँचा सकते हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध ये है कि अगर संभव हो तो मिठाई का प्रयोग मत कीजिए, घर की बनी हुई मिठाइयाँ खुद बनाइए, लड्डू खुद घर में बनाइए, सोहन पापड़ी घर में बनाइए,
मीठी चीज़ अपनी बना करके उसका आदान प्रदान करें, बाज़ार के जो मिलावट खोर लोग हैं उनसे बचाव कीजिए। कुरीत कह लेती है कि पटाखे चलाने की होती है, पटाखे चलाने में हम लोग अत्यंत असावधानी बरतते हैं, खास करके छोटे बच्चों में अत्यधिक क्रेज़ होता है, तो उस संबंध में आपके चैनल के माध्यम से गोरखपुर निवासियों से अनुरोध करूँगा, छोटे बच्चों को पटाखे कतई न जलाने दो। अगर बच्चे चलाने में जिद करते हैं तो उनके साथ आप स्वयं रहें। पटाखे चलाने के पहले कुछ आवश्यक निर्देश होते हैं, उनका पालन अवश्य कीजिए। जहाँ पर पटाखे छोड़े जा रहे हैं वहाँ पर जाने के पहले पूरी बांह का सूती कपड़ा पहनना चाहिए, पूरा फुल पैंट हो या फुल शर्ट पहनना चाहिए, पैर में चप्पल की जगह जूते होना चाहिए और आँखों पर चश्मे होने चाहिए। जहाँ पर आप पटाखे छोड़ रहे हैं वहाँ पर पानी की एक बाल्टी ज़रूर होनी चाहिए और पटाखों को कभी भी हाथ में नहीं छोड़ना चाहिए। पटाखों को कम से कम 2 से 3 मीटर लंबे डंडे के आगे कपड़ा बांध करके उसे ज्वलनशील बनाया जाए और उसी से पटाखे छोड़ दें। बहुत बार हमारी आदत ये होती है कि जो पटाखे अनजले रहते हैं उनको हम हाथ से पकड़ लेते हैं और वो हमारे हाथ में ही फूट जाते हैं, या कुछ पटाखे जैसे मिर्चे होते हैं या अनार होते हैं उसको हम अपने हाथ में लेके जलाते हैं, कभी कभी हमारे हाथ में ही फूट जाते हैं, उसे हम अंग भंग हो जाते हैं। तो इन सब एहतियातों को हमें बरतना होगा और ख़ास करके जो हमारे बुज़ुर्ग व्यक्ति होते हैं या जो हृदय के रोगी होते हैं या जो गर्भवती माताएं होती हैं, इन लोगों को जहाँ पटाखे चलते हैं वहाँ कतई नहीं जाना चाहिए। अगर हम लोग ये सजगता और सतर्कता रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारी दीपावली शुभ दीपावली होगी। दीपावली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है, यह अकेले नहीं मनाया जाता, ये अपने साथियों के साथ, अपने समाज के साथ, अपने में उन गरीब तबकों के साथ मिलकर मनाया जाता है जो आर्थिक रूप से संबल नहीं है। स्वयं खुद खाएं, दूसरों को खिलाएं, आपसी प्रेम का प्रवाह करें, यही दीपावली का त्यौहार है, ना कि अल्कोहल पीना, जुआ खेलना, पटाखे छोड़ना या मुनाफाखोरी की दृष्टि से अपने समाज को दिग्भ्रमित करना।